शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूँ नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे बेसिक शिक्षकों के लिए ई पाठशाला फेज 5 की शिक्षक डायरी आप कैसे भरें। इसके पहले मैं शिक्षक डायरी भरना बता भी चुका हूँ। यहाँ पर हम कक्षा 4 की जो है आपको 5 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक की यानी प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह की डायरी को आप कैसे भरें। जो भी निरीक्षण हो रहे हैं चाहे वो जिला स्तर के हों यानी BSSR कर रहे हैं, वो सारे लोग आपकी शिक्षक डायरी देख रहे हैं। इसके पहले महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने भी इस संदर्भ में 2 बार GO जारी कर चुके हैं और पुनः बार बार कहा जा रहा है शिक्षक डायरी भरने के लिए। इसलिए सभी शिक्षकों को जो भी वो क्लास पढ़ाते हैं उनको शिक्षक डायरी भरनी है। तो यहाँ पर हम प्रथम सप्ताह की डायरी आपको भर के बताएंगे और दूसरे और तीसरे सप्ताह की भी डायरी यहाँ पर हम आपको भर के दिखाएंगे, जिससे आप उसे देख करके बहुत आसानी से अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं और आने वाले निरीक्षणों से आप बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कक्षा 4 की डायरी को आप कैसे भरेंगे और अपने इस डायरी का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डायरी जब भी आप बनाएंगे उसका जो मुख्य पृष्ठ होगा उस पर ये निम्न जानकारी आपको अवश्य लिखनी होगी, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है कोई भी आके देखता है तो आपकी प्रगति का आकलन इस पेज से ही कर सकता है। तो सबसे पहला काम है कि आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं, सपोज करिए आप कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं तो आपके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो उनकी संख्या पहले कॉलम में आपको लिख लेनी है। दूसरा कॉलम है छात्र जिनके पास स्मार्टफोन है, तो यानी जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनके गार्जियनों के पास कितनों के पास जो है स्मार्टफोन है उनकी संख्या यहाँ पर नोट कर लेनी है। उसके बाद बात आती है तीसरे कॉलम की, व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी आपके पास जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें से आपने कितनों को व्हाट्सएप के द्वारा जोड़ रखा है उनकी संख्या यहाँ पर लिख देनी है। अगली हम बात करेंगे कि दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी कितने गार्जियनों के घर में TV है या उनके पड़ोस में या उनके कोई भी चाचा ताऊ के यहाँ, उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या, कितने छात्रों ने जो है दीक्षा ऐप आपने डाउनलोड करा दिए हैं। इसके बाद ये 2 ऐप बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो अगले हैं, आपका रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या। उसके बाद कॉलम है प्रेरणा ऐप, यहाँ पर आप कर लेंगे प्रेरणा लक्ष्य डाउनलोड करने वाले छात्रों की संख्या। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रीड अलोंग ऐप के बिना प्रेरणा लक्ष्य ऐप कार्य नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं प्रेरणा साथी, जो आपकी मदद करने के लिए जिसको आपने बनाया है, यानी आप के पास अगर 20 या 25 40 बच्चे हैं उनमें से आपने गांव के कोई भी महिला या पुरुष को किसको आपने प्रेरणा साथी बनाया है, जिसका आपने रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पे किया है। अब उसको ये भी नोट कर लेना है इस प्रेरणा जो हमारा साथी है इसका मोबाइल नंबर और इसके द्वारा कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनकी संख्या भी आपको नोट करके रखनी है। जब भी कोई मीटिंग होगी उसमें इनका जिक्र करना रहेगा। इसके अलावा जब भी आप कोई मोहल्ला क्लास लेते हैं तो अगर आप मोहल्ला क्लास ले रहे हैं या किसी गार्जियन से बात कर रहे हैं तो एक और कॉलम आगे अपने आप से जोड़ लेना है, मोहल्ला क्लास पब्लिक अभिभावकों से बातचीत, उसमें जो भी आपको कठिनाई हो, कुछ नहीं हो पा रहा है या किसी बच्चे से आप बात करते हैं, कितने गार्जियनों से आप कभी कभी मिल जाते हैं तो उनसे आप बात करते हो या उनसे स्वयं जाकर के बात करते हो तो उनका भी जिक्र यहाँ पे कर देना है। तो अब देखते हैं डायरी आपको भरनी कैसे है। अगले पृष्ठ पे जो आपको डायरी भरनी है उसके लिए आपको कुछ कॉलम बना लेने हैं। उसके लिए आप प्रथम सप्ताह 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की डायरी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको दिनांक लिख लेना है, फिर दिन लिख लेना है,
तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना है, उस पर लिख लेना है दूरदर्शन सामग्री यानी DDUP समय 10:30 से 11 बजे तक, उसमें दो कॉलम बना लेना है विषय और टॉपिक, और उसी के आगे लिख लेना है छोटे से कॉलम में आओ अंग्रेजी सीखे, एक एपिसोड आता है उसके लिए बना लेना है। और अगला है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित वीडियो लिंक, उसमें भी दो कॉलम कर लेने हैं विषय और विषय वस्तु वीडियो लिंक। इसके बाद आप एक तीसरा कॉलम और बना सकते हैं अभिभावक संपर्क एवं मोहल्ला क्लास तथा समस्याएं, ऐसा करके आप छोड़ देंगे। उसके बाद अब आपके साथ यहां पर पहला जो कॉलम हमने बनवाया है DD दूरदर्शन पर क्या सामग्री आती है उसको आप शेयर करते हो, दूसरा जो भी आप जो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो भी सामग्री मिलती है जो प्रेषित की जाती है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा वो बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करनी है, उनका लिंक वगैरह लिखना है क्या क्या आता है। तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ 5 जुलाई का कार्यक्रम क्या आया था आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसी प्रकार से सारी आपको डायरी भरनी है, हालांकि मैं पूरी डायरी आपको भर के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो दिनांक 5 जुलाई 2021 डाल देंगे, उस दिन सोमवार था और विषय अंग्रेजी के लिए जो टॉपिक था मैजिक वर्ड्स प्रसारित किया गया था, और अंग्रेजी आओ करके सीखे एपिसोड 29 प्रसारित किया गया था। अब बात करेंगे विषय जो आपका व्हाट्सएप लिंक पे आया था, हिंदी और गणित दोनों के लिए कार्य आया था। हिंदी के लिए था हिंदी वर्णमाला की पहचान, और उसका लिंक था http://bit.ly/325.1। उसके बाद गणित का लिंक था 51 से 60 तक की संख्याओं की पहचान, और लिंक था http://bit.ly/325-4। अब देखते हैं 6 जुलाई का प्रोग्राम। तो 6 जुलाई 21 को दिन मंगलवार था, उस दिन DD दूरदर्शन पर हिंदी विषय प्रसारित किया गया और टॉपिक का नाम था हाँ में हाँ, और अंग्रेजी का एपिसोड नंबर 30 प्रसारित किया गया था, और उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो लिंक आता था वो कुछ भी नहीं आया था, उसे आप छोड़ देंगे। और 7 जुलाई को दिन बुधवार था, DD दूरदर्शन पर गणित के लिए प्रोग्राम आया था जिसमें संख्याओं का जोड़ बताया गया था और अंग्रेजी का एपिसोड नंबर 31 दिखाया गया था, और उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के लिंक भी प्रसारित हुए थे हिंदी और अंग्रेजी के लिए। हिंदी के लिए था शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान, और उसका जो आपका लिंक है वो भी आप लिख लीजिएगा। दूसरा था गणित के लिए 61 से 70 तक की संख्याओं की पहचान, और उसका भी लिंक आपको दिया गया था। अब आइए देखते हैं कि 8 जुलाई को कौन सा लिंक आया था और कौन से प्रोग्राम प्रसारित किए गए थे। और 8 जुलाई 21 को दिन गुरुवार था, DD दूरदर्शन पर गणित का प्रोग्राम प्रसारित किया गया था जिसका टॉपिक था घटाना, और अंग्रेजी आओ करके सीखे का एपिसोड नंबर 32 का प्रसारण किया गया था, और व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी प्रोग्राम प्रसारित उसका लिंक कोई भी नहीं दिया गया था। और 9 जुलाई 21 को दिन शुक्रवार था, विषय हिंदी के लिए टॉपिक था जब मैं पढ़ता था प्रसारित किया गया था, इसके साथ साथ अंग्रेजी आओ सीखे में एपिसोड नंबर 33 का प्रसारण किया गया था, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए दो लिंक आए थे हिंदी और अंग्रेजी के लिए। तो हिंदी में आया था बुद्धिमान बाल गणेश, और गणित के लिए 71 से 80 तक की संख्याओं की पहचान, और दोनों के लिंक आए थे। आइए देखते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिवार जिस दिन होता है उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए क्विज प्रसारित किया गया था, तो यहाँ पर क्विज के बारे में देखो दिया गया, उसका आपको लिंक भी दिया गया, वो आपको लिंक यहाँ पे लिख लेना है। और 10 जुलाई 21 को दिन शनिवार था, हिंदी जो है हिंदी में हाँ में हाँ टॉपिक प्रसारित किया गया था, और एपिसोड अंग्रेजी का 34 का प्रसारण किया गया था।
अब हम देखते हैं 11 जुलाई दिन रविवार, उस दिन डीडी दूरदर्शन पर गणित विषय में गुणा के बारे में बताया गया था और उसी दिन अंग्रेजी आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड नंबर 35 भी प्रसारित किया गया था। ये रहा एक यानी पहला सप्ताह 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक। अब हम आपको आगे 2 सप्ताह की जो कार्य योजना है वो हम आपको बताएंगे नहीं, संगीत बजता रहेगा और उसके साथ आप अपना पाठ देखते रहिए और अपने आप से उसको भर लीजिएगा।